जल्दी लीजिए, गर्मी हो रहा है बहुत, हमको आगे भी जाके बेचना है। इतना सुंदर सब्जी बेचने, इतना सुंदर सब्जी बेचने वाले, देखी जाएगा सब्जी बिक जाएगा। फ्रेंड्स, मम्मा मेरे लिए बना रही है आम पन्ना। आम पन्ना तो फ्रेंड्स हमने बॉईल कर लिया था कुकर में सीटी लगा के, और ये पूरा इसका जो पल्प है ना पूरा इसमें पानी में मिक्स हो गया है। तो ये देखो फ्रेंड्स, मैं कटिंग कर रही हूँ भिंडी। तो मैं बनाऊंगी भिंडी दो प्याजा, प्याज वाला भिंडी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा भिंडी हो गया है रेडी। ये भिंडी दो प्याज, हमने प्याज डाल के बनाया है। तो मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा सा ही ली हूँ टेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे से हैं। फ्रेंड मुझे फीवर है अभी तो ठीक है। तो फ्रेंड एक चीज दिखाते हैं, मम्मा क्या कर रही है। देखिए सुबह सुबह फ्रेंड्स, देखिए प्याज ले लो, देखिए आलू ले लो, है बढ़िया आलू है, दिखाओ इधर प्याज भी बढ़िया है, दिखाओ उतार के। एक मिनट को भारी थोड़ा उठवा दो। थैंक यू। ये देखिए ये दोनों का सुबह सुबह ड्रामा चल रहा है घर में। आलू ले लो, प्याज ले लो, बढ़िया बढ़िया है, स्वादिष्ट आलू। देखिए स्वादिष्ट आलू, देखिए बिना पके स्वादिष्ट हो गया आलू। हे भगवान, दिखाओ मुझे। ये देखिए स्वादिष्ट आलू है, खाए आलू खा के। ये आम कहाँ से आ गया आलू में? एक आम, किसी को आम कच्चा आम लेना है तो एक आम भी ले सकते हो। तीन अलग अलग चीज ले। आलू 20 रुपए किलो है, प्याज 25 रुपए किलो। कैसे बताऊँ, सब्जी बेचने वाले को पता नहीं है कि कैसे रेट बताएंगे, बताइए। हे भगवान, किलो के हिसाब से 20 रुपए किलो आलू है, 25 रुपए किलो प्याज है। उतना कम नहीं ले, कम से कम आधा किलो लेना पड़ेगा। पैसा नहीं, भाग गया उधर। हाँ क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जल्दी लीजिए, गर्मी हो रहा है बहुत, हमको आगे भी जाके बेचना है। इतना सुंदर सब्जी बेचने, इतना सुंदर सब्जी बेचने वाले, देखी जाएगा सब्जी बिक जाएगा। सही पकड़े हैं, उठवाइए तो, इतना से टोकरी उठवाइए तो। थैंक यू। अंकल आलू ले लो, देखिए प्याज ले लो। सही में पगला गए। ये देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली मेरे को जाना था बाहर, बट जाना कैंसिल हो गया। देखिए इसको, तबीयत खराब है, ये उठपटांग चीज खाने के लिए कर रहा है। खिलाओ यही सब, और खराब होगा तबीयत। देखिए ये खा रहा है, ये इसको देखिए, बहुत टेस्ट लगता है फ्रेंड्स। ये इमली वाला खट्टा खट्टा मीठा मीठा, ऐसे खाओ। जितना सड़ा गला चीज है ना, ये चूहा का पॉटी का रात बता है, उसको यम्मी लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबू का तबीयत खराब था तो आम हम झोरा बनाएंगे इसका। ऐसे क्या बोलती है, क्या बनाएगी? आम, जैसे कि आम का पन्ना बनेगा जो कि पीना है गिलास में, और जो बच जाएगा ना गुठली, उससे बाबू ऐसे हाथ पैर में लगा के नहा लेगा, उससे ना गर्मी नहीं लगेगी। जो खाना तुम लोग खाओ हमको मालूम नहीं। ये आम झुरा बनाने के लिए कुकर में आम बॉईल हो रहा है, खाओ। और तबीयत खराब होगा हम तो हंसेंगे इस बार। ये देखिए हम बॉईल हो रहा है, और इधर मेरा बनने जा रहा है बड़ा गिलास में सत्तू प्याज मिर्चा। कहाँ कुछ खा लिए रहे अभी, बनाती हूँ। अच्छा बनाओगे? हम जैसे दिखा रहे हैं दोस्तों को कि देखिए प्याज और मिर्चा इसमें कुछ है ही नहीं। देखो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो फ्रेंड्स मेरा बनेगा सत्तू, और यहाँ पे ये लोग सबसे बढ़िया बताए, सुनो रसम बनाओ। ठीक है। हाँ बाबू का आम पन्ना सुन, हवा दो आम पन्ना, ठीक है, अच्छा चीज है, रसम बनाओ। ठीक। देखिए देखिए, कल बेटा कल पेरेंट्स मीटिंग है, हाँ सोच लेना।
ये सब क्लास टीचर नए नए लोग हैं इधर, तो तुमको हम पूछा अगर हम गए ना तो रुक जाओ। फ्रेंड्स मम्मा मेरे लिए बना रही है आम पन्ना। आम पन्ना तो फ्रेंड्स ये हमने बॉईल कर लिया था कुकर में सीटी लगा के, और ये पूरा इसका जो पल्प है ना पूरा इसमें पानी में मिक्स हो गया है, निकाल दिया हमने। और एक और है तो ये मैं, बाबू नहा आएगा ना तो मैं पूरा हाथ पैर में लगा, हल्का हल्का सा गर्म है थोड़ा, वो ठंडा हो जाएगा ना तो मैं बाबू का हाथ पैर में लगा के नहला, मतलब बाबू नहा लेगा हाथ और पैर में लगा के। और ये मैं पीने के लिए दूंगी, देख लो इससे बहुत आराम मिलेगा, गर्मी नहीं लगे, मतलब गर्मी में लू लग जाता है ना जिसकी वजह से मतलब कि बीमारी होता है, बुखार आ जाता है बार बार लू लगने से, तबीयत खराब होता है, तो वो सब दूर हो जाएगा, गर्मी दूर भाग जाएगा इससे। नमक वाला। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हो गया शाम का टाइम और बेटू कर रहा है पढ़ाई और मैं अपना वही जो मेरा काम है किचन में लगी हुई हूँ काम धाम में। तो मैं क्या कर रही हूँ मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। तो ये देखो फ्रेंड्स मैं कटिंग कर रही हूँ भिंडी, तो मैं बनाऊंगी भिंडी दो प्याजा, प्याज वाला भिंडी। तो मैं कट करती हूँ फटाफट से क्योंकि डैडी भी जल्दी खाना खाते हैं और बेटू है वो अपना होमवर्क कर रहा है, जब तक मैं खाना रेडी कर देती हूँ और फिर बेटू के पास बैठूंगी, उसको देखूंगी कि क्या पढ़ाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स लेट हो जाएगा, फटाफट से दो तीन भिंडी बचा हुआ है इसको भी काट के मैं बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने चढ़ा दिया है कढ़ाई, कढ़ाई में हमने डाल दिया ऑयल और मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला ऑयल, ये वाला, ये देखो राइस ब्रान ऑयल, ये बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो ये वाला ऑयल यूज़ कर रही हूँ। हमारा हो चुका है कढ़ाई गरम, तो इसमें हम डाल देंगे ये ब्लैक वाला सरसों, जीरा भी आप डाल सकते हो, और हमने भिंडी कट करके रखा था तो ये डाल दिया हमने भिंडी। देखिए फ्रेंड्स ये हमने डाल दिया भिंडी, अभी भिंडी को अच्छे से ना लाल होने देंगे, इसको अच्छे से फ्राई करना है, ये अच्छे से ये लाल हो जाएगा, फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। तो हम क्या बना रहे हैं आज, भिंडी दो प्याजा। तो हम लेते हैं लाल इसको, और पता है फ्रेंड्स भिंडी ना पहले मुझे मतलब कि इससे भी खाना बनाना आता नहीं था, तो मैं क्या की थी ना काट के भिंडी धो दी, तो वैसे ना फ्रेंड्स आप लोग कभी मत करना, काट के धोने से ना पूरा मतलब चिपचिपासा हो जाता है और ठीक से बनाने भी नहीं होता, पूरा वो ख़राब हो जाता है। तो पहले भिंडी को धोना है इसके बाद कट करना है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? इसको होने देते हैं लाल, फिर डलेगा इसमें प्याज, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखो फ्रेंड्स हमारा भिंडी अच्छे से हो गया है फ्राई, तो अब इसमें आ गया नंबर प्याज डालने का। तो भिंडी हम दो प्याजा बना रहे हैं, तो भिंडी दो प्याजा का नाम दिया हमने, कि हमने डाल दिया एक प्याज, इस तरह से हमने काट लिया थोड़ा छोटा छोटा, तो बस प्याज को भी साथ में फ्राई करेंगे। और फ्रेंड इसमें ना ज़्यादा कुछ मसाला नहीं देंगे, बस हल्दी नमक और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, बस ज़्यादा कुछ नहीं देना है, बस ऐसे ही ये पक जाएगा और ना इसका टेस्ट जो बनने वाला है ना बहुत यम्मी बनता है। ये हमने डाल दिया प्याज, तो फिर हमने प्याज डाल दिया था, अब इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर, ये गया इसमें हल्दी और थोड़ा सा मिर्च पाउडर, ज़्यादा नहीं, और नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, ये रहा नमक थोड़ा सा, और तो हल्दी मिर्च और नमक, बस इसको अब साथ में ऐसी खाली फ्राई करते रहेंगे, पका देंगे, तो बन गया ये भिंडी दो प्याजा सिंपल, इसमें ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं पड़ा और बहुत टेस्टी भी बनेगा ये। तो बस इसको बनाते हैं फ्रेंड्स, जब रेडी हो जाएगा पूरा तब मैं आपको दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स ये देखिए हो गया है भिंडी दो प्याजा रेडी, और क्या मस्त लग रहा है कलर। और मैं इसको खा के आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा बना है। तो हो चुका है हमारा रेडी। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा भिंडी हो गया है रेडी। ये भिंडी दो प्याज हमने प्याज डाल के बनाया है, तो मैं ज़्यादा नहीं ली हूँ, थोड़ा सा ही ली हूँ टेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको बताती हूँ टेस्ट करके कि कैसा बना है। आप रोटी या रोटी के साथ भी खा सकते हो, पराठा के साथ भी खा सकते हो, दाल चावल के साथ भी खाओगे तो बहुत यम्मी लगेगा। तो मैं बताती हूँ फ्रेंड्स टेस्ट करके। आ गया हाथ में, ये रहा भिंडी और है इसमें प्याज भी है, भिंडी भी है, और जो हमने ज्यादा तो कुछ मसाला डाला नहीं है। तो खा के मैं बताती हूँ कैसा टेस्ट है। बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स सही में। तो गर्मी के दिन ना क्या है ज्यादा ना मसाला वाला भी खाना खाने का ना मन नहीं करता है। तो ये इसमें तो कुछ पड़ा ही नहीं है, खाली हल्दी नमक और हल्का सा मैं मिर्च पाउडर डाली हूँ। तो अगर आपको नहीं खाना है तो सिंपली हल्दी नमक देके भी बना सकते हैं, और प्याज दे देंगे और हल्का सा तेल, ज़्यादा कुछ मसाला भी नहीं है। गर्मी के दिन में ज़्यादा मसाला खाने का मन भी नहीं करता है। और इतना ये यम्मी बन गया है ना, इतना टेस्टी बन गया है। तो फ्रेंड्स आप ये बना के अपना इंजॉय कर सकते हो फूड मज़े से, पराठा के साथ, रोटी के साथ और दाल चावल के साथ। तो मैं करती हूँ ख़त्म। मुझे तो बहुत मज़ा आ गया। भिंडी किस किस का फेवरेट है भिंडी फ्रेंड्स, कमेंट करके बताना ठीक है। तो मैं ये खत्म करती हूँ। फ्रेंड्स अभी भी घर पहुँचे हैं और बहुत गर्मी हो रहा है रांची में, बहुत गर्मी हो रहा है। बाबू का पहले थोड़ा तबीयत ठीक है, इसका यहाँ पढ़ाई चल रहा है, और देखिए पढ़ाई कर रहा है, होमवर्क कर रहा है। फ्रेंड्स लोग से मंगाया था फ़ोन पे, क्योंकि स्कूल तो जा नहीं रहा था, मतलब नहीं जा रहा है, तो मंडे से सीधा जाएगा। और मामा का एज यूजल यहाँ पे है किचन में, और मैं जाना कैंसिल हो गया था, आपको बताया था ना कि बाहर जाना था, मगर बाहर जाना कैंसिल हो गया था तो नहीं गए थे बाहर। अच्छा तो यहाँ पे हमारा जो डिनर बनाया, देखिए भिंडी, और मामा बनाएगी लोती। लोती आटा में थोड़ा सा क्या मिला दोगी, मक्का ठीक है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पेंड, जहाँ तक हो गया कैंसिल, रांची में गर्मी का घर बहुत ज़्यादा है, करते इस ब्लॉग को यहीं पेंड। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर, लाइक करो, शेयर करो हमारे चैनल, सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।